एवरीवन, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गूगल असिस्टेंट के बारे में। तो सैमसंग के टीवी में आपको मिल रही है गूगल असिस्टेंट, जिसको आप यूज कर सकते हैं और वॉइस कमांड के ऊपर कुछ फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि इसको सेटअप कैसे करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको टीवी में जानी है और वाईफाई कनेक्ट करना है। जैसा कि देख सकते हैं वाईफाई कनेक्टेड है। उसके बाद क्या करनी है आपको, आपको जानी है सेटिंग में और सॉफ्टवेयर को अपडेट करनी है। सॉफ्टवेयर अपडेट करनी है तो आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट वर्जन है ये 1304 है, ये लेटेस्ट वर्जन है, इसको आपको अपडेट करनी है। तो पहले से अपडेट किया हुआ है तो हम चेक कर लेते हैं कि कोई अपडेट अवेलेबल है या नहीं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई न्यू अपडेट नहीं है, ऑलरेडी लेटेस्ट वर्जन है, तो हमने चेक कर लिया। अभी हमें क्या करनी है, अभी हमें जानी है ऐप स्टोर में। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको सैमसंग का ऐप स्टोर है, यहाँ पे आपको जानी है और ऊपर में सर्च करना है गूगल असिस्टेंट। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे गूगल GO, तो हम ये जो है इसको आपको क्या करनी है, इंस्टॉल करना है। तो हमने इंस्टॉल किया था तो ये डायरेक्टली ओपन हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि आपको फिनिश सेटअप फिनिश करने का ऑप्शन दे रहा है, इसको क्या करनी है, ओके कर लेनी है। तो यहाँ पे सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको क्या करनी है, आपको एग्री करनी है और यहाँ पे आपको परमिशन जो भी दिया जा रहा है उसको आप दे दें अलाउ। अभी यहाँ पे सेटअप करने के लिए क्या करना है, आपको देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है फोन का ऑप्शन। तो यहाँ पे दो तरीके से सेटअप कर सकते हैं। एक जो है आपको क्या करनी है, आपको सेटअप माय असिस्टेंट डिवाइस इसको बोलनी है वॉइस कमांड में, या फिर आप इस वाले को यहाँ पे जो देख रहे हैं आपको क्या करनी है, टाइप करनी है क्रोम में। तो आपको फोन में क्रोम ओपन कर लेनी है, आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना। तो हमने यहाँ पे क्रोम ओपन कर लिया, अभी क्या करनी है क्रोम में जानी है और यहाँ पे टाइप करना है g.co/assistant और क्लास सेटअप। तो यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट सेटअप ये आ चुका है, इसको आपको ओके करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो ऊपर का ऑप्शन आपको दिख रहा है इसको ओके करनी है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको दिख रहा है गेट स्टार्टेड, इस पर आपको क्लिक करनी है। तो ये सेटअप करने से पहले आपका टीवी और आपका फोन सेम वाईफाई में कनेक्ट होना चाहिए। आप इंश्योर कीजिए कि आपका फोन और टीवी सेम वाईफाई में कनेक्टेड है। तो ये फर्स्ट टाइम आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो नियर बोर्ड टीवी है वो फॉन्ड हो चुका है Q8043। इसको नेक्स्ट करना है, इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। इसको हम देख सकते हैं कि कोड टीवी के ऊपर सेम कोड आ रहा है, देख सकते हैं 2657, वही कोड सेम आपको टीवी के ऊपर दिख रही है। इसको पेयरिंग के लिए यस कर लें और यहाँ पे जो भी परमिशन है आप इसको अलाउ कर लें। तो देख सकते हैं यहाँ पे साइन इन सक्सेसफुल हो चुका है। अभी यहाँ पे आप लोकेशन इसको सेट करना चाहते हैं कि कहाँ पे टीवी लगा हुआ, तो आप सेट कर सकते हैं। तो सपोज मैं ऑफिस में करता हूँ, इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ, इसको नेक्स्ट कर लें आप और ये एग्री कर लें और इसको आप ओके कर लें। तो ये जो है सारा जो है डन हो चुका है सेटअप, ये सेटअप कम्प्लीट हो गया। अभी हम यहाँ पे वॉइस कमांड देंगे और दिखाएंगे आपको कि क्या क्या वॉइस कमांड काम करता है। हम दिखाते हैं यहाँ पे, इस बटन को प्रेस करनी है और आपको कमांड देनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है हाई हाउ कैन आई हेल्प यू, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। According to Wikipedia, the Prime Minister of India, the leader of the executive of the government of India. Who is the Chief Minister of Odisha? Nadine Catlett is the Chief Minister of Odisha. Set reminder for tomorrow 10 a.m. to visit doctor. Sure, I'll remind you on your phone. 20th, 2020. Change volume to 20. देख सकते हैं यहाँ पे ओपन टीवी सेटिंग, टीवी सेटिंग आ चुका है।
अभी आप डायरेक्टली यूट्यूब में कुछ कंटेंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं, तो मैं दिखाता हूँ। ओपन पीआईडी इन यूट्यूब, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका पीआईडी आ चुका है। तो इस तरीके से ये ओपन हो गया और इसको आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सैमसंग टीवी में गूगल असिस्टेंट यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। तो सैमसंग टीवी में आपको तीन सपोर्ट मिल जाती है, अलेक्सा, बिक्सबी और गूगल असिस्टेंट, ये तीनों का ही आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।